हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली इन्फिनिक्स ने नए लैपटॉप्स लॉन्च किए हैं, इन्फिनिक्स इनबुक X1 एंड इन्फिनिक्स इनबुक X1 प्रो, जिसमें तीन वेरिएंट्स आते हैं। सबसे पहला वेरिएंट है कोर i3 8GB प्लस 256GB, जिसकी कीमत रखी गई है 35,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट है कोर i5 8GB प्लस 512GB, उसकी कीमत है 45,999 रुपये, जो कि मेरे पास इस समय मौजूद है। और एक है इनका प्रो वेरिएंट, जो कि है कोर i7 16GB प्लस 512GB, और जिसकी कीमत जो है वो रखी गई है 55,999 रुपये। तो आज इन्हीं सीरीज का जो ये मिड वाला मेरे पास मॉडल आया है, इसका मैं एक ओवरव्यू करने वाला हूँ। और जिस हिसाब से इनकी प्राइसिंग रखी गई है, मुझे काफ़ी सही और कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग लग रही है। और इसके स्पेक्स पर हम नज़र डालेंगे, सभी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे लैपटॉप की, और पता लगाएंगे कि क्या ये आपके लिए और स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है या नहीं। हेलो दोस्तों, यू वॉचिंग 91 मोबाइल्स, मैं हूं शिवम चौधरी, एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर डिजाइन की बात करते हैं। तो ये जो लैपटॉप है, तीन कलर ऑप्शन में आता है, रेड, ग्रे एंड ग्रीन। मेरे पास ग्रीन वाला ये कलर है। यहाँ पर आप सबसे पहले डिजाइन की बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो बैकलेट है, इस पर आपको डुअल कलर टोन मिल जाती है। कलर तो सेम है, लेकिन ग्रेडिएंट फिनिश यहाँ पर दी गई है, और यहाँ पर आपको एक इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग में मिल जाती है। देखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। फुल मेटेलिक बॉडी के अंदर ये जो लैपटॉप है ये आता है। और अगर आप यहाँ पर बैक साइड पर नजर डालेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ये पूरा साइलेंट फैन के लिए पोर्ट्स दिए गए हैं। यहाँ पर रबर फीट्स आप देखेंगे, दोनों साइड पर स्पीकर्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा बैक साइड में यहाँ पर देखेंगे तो आपको दो हीट पाइप्स मिल जाते हैं। यहाँ से लैपटॉप अपनी हीट जो है उसको एक्सहेल करता है। इसके अलावा अगर आप साइड्स की बात करेंगे, पोर्ट्स की बात करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे राइट साइड में आपको सबसे पहले यहाँ पर एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाता है। इसके अलावा USB 2.0 का एक पोर्ट है, फिर 3.5mm का एक यहाँ पर जैक है, और यहाँ पर आपको कार्ड स्लॉट मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, तो एक तो यहाँ पर ऑर्डिनरी चार्जर के लिए पॉइंट मिलता है, फिर HDMI पोर्ट यहाँ पर दिया गया है, एक और USB 3.0 का पोर्ट है। यहाँ पर दो USB टाइप सी पोर्ट्स हैं, एक आपको चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं, दूसरा डेटा ट्रांसफर वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्लाइडर दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपने लैपटॉप का जो कैमरा है, वेबकैम है, उसको डिसेबल कर सकते हैं, विच इज अ गुड फीचर फॉर द प्राइवेसी पर्पस। तो ये तो हो गए इसके आउटसाइड की बात। और अगर हम यहाँ पर फ्लैप को खोलते हैं, तो यहाँ पर एक चीज जो मैंने नोटिस की वो ये है कि एक हाथ से आपको पूरा फ्लैप ओपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक कटआउट दिया गया है, जो कि मुझे देखने में काफी यहाँ पर स्टाइलिश लगता है। अब लैपटॉप को जैसे ही मैं यहाँ पर सबसे पहले ओपन कर देता हूँ, तो यहाँ आ जाती है डिस्प्ले, जिसको आप 180 डिग्री तक टिल्ट कर सकते हैं, एज यू कैन सी हियर। सबसे खास बात डिस्प्ले की ये है कि ये एक फुल HD डिस्प्ले है, 14 इंचेस का इसका साइज है, IPS इसकी पैनल टाइप है। और यहाँ पर जो आप बेजल्स देखेंगे, तो काफ़ी थिन बेजल मिल जाते हैं आपको। बेजल साइज है यहाँ पर 4.19mm, और इन्हीं बेजल्स पर यहाँ पर ऊपर की तरफ एक 720 पिक्सल्स का वेबकैम दिया गया है, जो कि ऑर्डिनरी में डिसेंटली काम करता है, लाइक दी वेबकैम ऑफ एनी अदर बजट लैपटॉप। इसके अलावा 300 निट्स की इस डिस्प्ले की ब्राइटनेस है, बहुत ज्यादा ब्राइट तो नहीं, लेकिन यहाँ पर डिसेंटली ब्राइट डिस्प्ले आपको मिल जाती है, जिसमें आपको कोई भी परेशानी देखने के लिए नहीं मिलेगी। ये फुल ब्राइटनेस मैंने इसकी यहाँ पर डिस्प्ले की गई है। काफी कंट्रास्ट काफी सही है, कलर काफी सही प्रोड्यूस होता है इसकी डिस्प्ले पर। और यहाँ पर ये जो डिस्प्ले है, 100% sRGB कलर गैमिट के साथ आती है। और जैसा मैंने आपको बताया पहले कि 180 डिग्री तक आप टिल्ट कर सकते हैं, और एस्पेक्ट रेशियो उसका 16:9 का है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर एक चीज ही पसंद नहीं आई, वो यहाँ पर जो ये नीचे वाला बेजल है, ये थोड़ा सा ज्यादा ब्रॉड दिया गया है डिस्प्ले का, बट ये आपको इतना परेशान करता है नहीं। परफॉर्मेंस की बात की जाए, तो इस लैपटॉप में आपको इंटेल कोर i5 का चिपसेट मिलता है, जो कि 11th जनरेशन नहीं दोस्तों, 10th जनरेशन है। 103 5G1 चिपसेट ये है, विद बेस क्लॉक स्पीड ऑफ 1.19 GHz, और यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड मिलता है इंटेल का अल्ट्रा HD। इसके अलावा मेमोरी की बात की जाए, तो 8GB LPDDR4X टाइप रैम मिलती है। इसके अलावा आपको 512GB की SSD इस लैपटॉप के ऊपर मिल जाती है, और बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर विंडोज 11 होम और ऑफिस 365 प्री इंस्टॉल्ड इस लैपटॉप के ऊपर मिलता है। लेट्स टॉक आउट दी बैटरी नाउ। तो लैपटॉप में आपको 55 watt hours की लिथियम पॉलीमर बैटरी मिलती है। इसके अलावा ये 65 watt का आपको चार्जिंग डॉक मिल जाता है।
जिसकी मदद से आप लैपटॉप को 0 to 70% एक घंटे में चार्ज कर सकते हैं। खास बात यह है कि जो चार्जिंग डॉक है ये स्मार्टफोन्स के लिए भी कंपेटेबल है, तो आप इससे अपना स्मार्टफोन वगैरह भी यूज कर सकते हैं। कहीं ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो दो दो चार्जर आपको कैरी करने की जरूरत यहां पर नहीं पड़ेगी। बैटरी लाइफ कंपनी क्लेम करती है 13 आवर्स की एक बार फुल चार्ज हो जाने के बाद। कीबोर्ड की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप ये देखेंगे जो कीबोर्ड आप देख रहे हैं चिकलेट कीबोर्ड है विद बैकलाइट्स, और बहुत ज्यादा मैं इसको प्रीमियम तो नहीं कहूंगा बट लेकिन हाँ यहाँ पर जो फीडबैक आता है कीबोर्ड के साथ वो डिसेंट फीडबैक आपको मिल जाता है और आप कुछ टाइम के बाद इसके साथ यूज टू हो सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर देखेंगे नीचे तो ये आपको टच पैड मिल जाता है क्योंकि मल्टी टच और इसके अलावा जेस्चर्स वगैरह को सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये पावर ऑन ऑफ की मिल जाती है और DTS की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पर कीबोर्ड पर आपको ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर भी आपको स्पीकर्स मिल जाते हैं। इसके अलावा कनेक्टिविटी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर आपको वाईफाई 6 के साथ ब्लूटूथ 5.1 मिल जाता है, और स्पेशली मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूंगा अबाउट दी ऑडियो क्वालिटी। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें आपको आगे भी स्पीकर्स यहाँ पर मिल जाते हैं और पीछे की तरफ यहाँ नीचे भी दो स्पीकर्स दिए गए हैं, जो इनकी ऑडियो क्वालिटी है दोस्तों वो काफी शानदार की है। और इसमें आपको दो ट्विटर मिलते हैं, दो बेस के लिए स्पीकर्स लैपटॉप के अंदर दिए गए हैं। लेट मी प्ले समथिंग फॉर यू देन यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय योरसेल्फ। ये देखिए मैं यहाँ पर एक म्यूजिक प्ले कर देता हूँ। काफी लाउड स्पीकर्स मिलते हैं और इस सेगमेंट में मुझे लगता है कि बेस्ट स्पीकर्स आपको इसके साथ मिल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बाकी किसी लैपटॉप को देखें स्पेशली मैं अगर यहाँ पर रेडमी के लैपटॉप की बात करूँ या रियलमी के लैपटॉप की बात करूँ तो मुझे कंपैरेटिवली बहुत कम साउंड यहाँ पर देखने को मिलती है। हाँ वो बात ठीक है, आपको वहाँ पर 11 जनरेशन मिल जाता है। तो दोस्तों ये है इन्फिनिक्स इनबुक X1 और ये जो वेरिएंट मैंने आपको बताया था ये 8GB प्लस 512GB है। इसकी कीमत है 45,999 रुपये। स्पेसिफिकेशंस वाइज डिजाइन वाइज मुझे यहाँ पर ये ओवरऑल परफेक्ट लगा है, लेकिन जब आप लैपटॉप लेते हैं तो आप ध्यान में रखते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में भी, और इन्फिनिक्स के साथ उसका कैसा हाल है वहां मुझे थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है। आपको क्या लगता है कॉमेंट बॉक्स में आप लिखकर बता सकते हैं, और इस लैपटॉप के बारे में आपकी क्या राय है, क्या कुछ इसमें मिसिंग है या फिर क्या कुछ अच्छा आपको लगा है, आप सब कुछ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और कोई भी डाउट रह जाता है तो वो भी कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। मैं हूं शिवम चौधरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।